नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ही बाथरूम को लेकर के बना है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा जोन हमारा बाथरूम होता है। जो सामान्य परिवार के होते हैं उनका बाथरूम उतना साफ सुफ नहीं रहता है, पर जो पैसे वाले घर के होते हैं, धनी परिवार के होते हैं, उनका बाथरूम ज्यादा साफ सुफ रहता है, ज्यादा नीट एंड क्लीन रहता है। लेकिन मजेदार बात यह भी है कि पैसे वाले लोग ही ज्यादातर बाथरूम में जाकर मरते हैं। कोई गरीब बाथरूम में जाकर मर गया, ऐसा आपने, मेरा ख्याल है, कम सुना होगा। मेरे दोस्तों, जिनके बाथरूम में इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा रहती है, और खरी खरी भाषा में कहें तो जिनके घर का बाथरूम ज्यादा बदबू मारते रहता है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप वहां रूम फ्रेशनर लगाकर या ओडोनिल जैसी चीज का इस्तेमाल करके आप वहां की जो बास है, जो बदबू है, उसे ढक तो सकते हैं, लेकिन उस गंदगी को, उस बास को आप वहां से भगा नहीं सकते। और जब आप उसे भगा नहीं पाते हैं तो उसका इन्फेक्शन कहीं कहीं घर के अंदर या घर में रहने वालों को तकलीफ देने लगता है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब वो इन्फेक्शन घर के अंदर घर में रहने वालों को तकलीफ देने लगता है, तो ये आप कैसे जानेंगे कि उसका इन्फेक्शन हमारे घर में आ रहा है, ये आप कैसे जानेंगे? मैं इस पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, जब आपके घर पर बच्चे चिड़चिड़ाने लगे, बच्चे आपकी बात न मानने लगे, बच्चे जब डांट ज्यादा खाने लगे, बार बार बच्चे बीमार पड़ने लगे, पढ़ाई में उनका मन न लगने लगे, याद किया हुआ जब वे भूल जाने लगे, तो जान लीजिए नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर दस्तक देने लगी है। जब आपके घर पर पारिवारिक क्लेश, वाद विवाद, टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगे, बार बार काम छूटना, काम धंधे में नुकसान आना, ऐसा होने लगे, घर पर बार बार किसी का एक्सीडेंट होने लगे या घर में ही कोई स्लिप होकर गिरने लगे, तो जान लीजिए नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर दस्तक देने लगी है। मेरे दोस्तों, जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर को डायग्नोज नहीं मिलता है, और यदि डायग्नोज मिल भी गया, कोई अच्छा डॉक्टर मिल भी गया, उसने बहुत अच्छी दवा दे भी दी, तो उसकी दी हुई दवा से आपकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है। अगर ऐसा आपके साथ, आपके ऊपर या आपके घर वालों पर ऐसा कुछ होने लगे, तो जान लीजिए नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर दस्तक देने लगी है। मेरे दोस्तों, और एक लक्षण मैं सुनाता हूं, वो लक्षण है किसी काम में मन न लगना, सोचा हुआ काम ना होना, किसी भी काम में सफलता का न मिलना, कोई भी काम आपने चालू किया है फिर उस काम का रुक जाना। जैसे आपने मकान बनाना चालू किया था, मकान आधा बन गया और फिर रुक गया। इस तरह कोई किसी काम को चालू करने के बाद उसका पूरा न हो पाना, मन में नए नए विचारों का ना आना, और बल्कि ऊपर से निगेटिव थिंकिंग का आना, मसलन मोबाइल में निगेटिव मैसेज का आना, तो ऐसा यदि आपके साथ होने लगे, तो जानिए नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर दस्तक देने लगी है। जब पत्नी कुछ बोलती है तो पति कुछ दूसरा सुनता है, जब पति कुछ बोलता है तो पत्नी कुछ दूसरा सुनती है, ऐसा अगर आपके घर पर होने लगे, तो जान लीजिए नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर दस्तक देने लगी है। मेरे दोस्तों, यही वो नकारात्मक ऊर्जा है जिसे हम लोग तंत्र बाधा, तंत्र दोष, बाहरी बाधा, ऊपरी नजर इस नाम से
पुकारते हैं। यही वो नकारात्मक ऊर्जा है जिसे कहीं कहीं काली विद्या और काला जादू के नाम से पुकारा जाता है। हाँ, तो मैं संक्षेप में कहना चाहता था, नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र हमारे घर का बाथरूम होता है। तभी तो घर के बड़े बूढ़े बाथरूम में जाकर स्लिप हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो बाथरूम में जाने के बाद वापिस लौट कर नहीं आते, वहीं मर जाते हैं। नमस्कार।